नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रश्न नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो भी क्वेश्चन है सबका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी ठीक है तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कहता है दोस्तों, एक रेलगाड़ी है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। एक रेलगाड़ी है ठीक है, जो अपने समान चाल से ठीक है 360 किलोमीटर की दूरी जो है ना तय करती है। ठीक है, ये 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों करता यह है कि अगर उस रेलगाड़ी के चाल को जो है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो अधिक कर दे, ठीक है रेलगाड़ी की चाल को क्या करेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देंगे यानी बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ना उस रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी जो है ना उस दूरी को तय करने में जो है 1 घंटा कम समय लेगी। यही आपका क्वेश्चन कहता है दोस्तों। क्वेश्चन में आपको दो तरह के चाल के बारे में कह रहा है, पहला चाल जो ट्रेन का समान चाल है ठीक है, और दूसरा चाल क्या है, दूसरा चाल आपका है 5 किलोमीटर अधिक यानी एक्स प्लस 5 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर चाल दो ठो होगा, अगर चाल दो ठो होगा तो समय भी दो ठो होगा, समय भी दो ठो होगा। सबसे पहले आप चाल मान लीजिए रेलगाड़ी का, देखिए हल करते हैं, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी का चाल, माना कि रेलगाड़ी ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ठीक है, चाल हो गया, दूरी कितना है, दूरी आपके क्वेश्चन में दिया है 360 किलोमीटर, लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी बराबर ठीक है 360 किलोमीटर। दोस्तों मैंने आपको अभी एक बात बताया कि क्वेश्चन में ना आपको जो रेलगाड़ी दिया हुआ है उसके बारे में, उसके दो चाल के बारे में जानकारी है, पहला उसका समान चाल जो हमने एक्स मान लिया ठीक है, और दूसरा चाल क्या है, दूसरा चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक यानी एक्स में आपको 5 जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अगर चाल दो ठो है तो समय भी दो ठो होगा। सबसे पहले आप जो है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा चाल पर समय निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल, सॉरी समय निकाल लेंगे। समय बराबर 100 मो समय बराबर, दोस्तों समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, तो टाइम को हम टी से लिखते हैं, यहां पर T1 लिखते हैं क्योंकि दो तो समय आएगा, दो समय आएगा ना, एक T1 और दूसरा T2 आएगा, तो समय देखिए, समय यानी T1 बराबर, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सूत्र याद रखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी क्या है, दूरी आपका 360 किलोमीटर है तो 360 बटा चाल क्या है, चाल आपका x है, x लिख दिए। एक समय आपका आ गया है, एक और समय आपको निकालना है दोस्तों, एक और चाल है ना, तो एक और चाल के बारे में आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद उसके हिसाब से समय भी निकाल लेंगे। लिखेंगे पुनः, देखिए लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती यानी कि चाल, ठीक है चाल 5 किलोमीटर
प्रति घंटा अधिक होने पर चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर क्या हो जाएगा? तो पहले चाल क्या था? पहले चाल हमने एक्स माना है, एक्स लिख दिए, उसी में 5 अधिक यानी 5 जोड़ दिए और इतना किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, ठीक है। और दोस्तों जो दूरी है ना, दूरी वो नहीं बदल रहा है, दूरी जो पहले था अभी भी वही है, ठीक है, यानी दूरी 360 किलोमीटर ही है। तो समय क्या होगा? सोमोजो समय, देखिए चाल बदला तो समय भी बदलेगा, तो समय T2 बराबर, यहां पर समय 2 हो जाएगा। समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी क्या है? 360 है, बटा चाल क्या होगा? x+5 है, x+5 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। T1 और T2 यानी समय 1 और समय 2, दो समय आ गया। अब आप क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। देखिए क्या कहता है दोस्तों, अगर ट्रेन का चाल एक्स है, ठीक है, लेकिन जब हम x+5 कर दिए यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए, इससे क्या हुआ? यात्रा में जो है 1 घंटा कम समय ले रहा है, कम समय ले रहा है दोस्तों। एक समय ये है, दूसरा समय ये है, और ये 1 घंटा जो है ना, इसी समय का अंतर है। क्या कहता है? 1 घंटा कम लगता। देखिए ये वाला जो समय है, ठीक है, इसमें ना आप इस वाले समय को घटा दीजिए, उसी का अंतर जो है ये है, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि समान चाल से जो है जब हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, समान चाल x पर जो है समय इतना लगा है ना, और लेकिन जब हम क्या करें, चाल बढ़ा दिए तो समय इतना लगा, और इसी का जो अंतर है दोस्तों, इसी का अंतर जो है ये 1 है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, कहीं पर भी ये कम या फिर अधिक दिया रहे, समझ जाइए वो अंतर है, ठीक है। जैसे यहां पर कम लिखा हुआ है, समझ गए 1 जो है ये अंतर है। किसका अंतर है? तो इस समय का और इस समय का अंतर है, ठीक है। अगर यहां पर अधिक लिखा आता तब भी आप बोलते अंतर है, जैसे ही आपको कम या अधिक मिले आप समझ जाइए वो अंतर है, ठीक है, यानी ये 1 घंटा जो अंतर है समय 1 और समय 2 का। लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से T1 माइनस T2 बराबर 1। T1 क्या है? T1 आपका 360 बटा x है, यहां पर 360 बटा x माइनस T2 क्या है? T2 आपका ये है 360 बटा x+5, 360 बटा x+5 बराबर 1 है, ओके। अब आप आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या करेंगे? आगे देखिए आपका भिन्न का घटाव है यहां पर, ठीक है, भिन्न का घटाव आपको बनाने आता है, आइए इसे बनाते हैं। एक्स और एक्स प्लस पांच का एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं निकलेगा, दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x(x+5) हो जाएगा। ये एक्स है और ये एक्स है, कट गया ना, बचा x+5 बचा, और x+5 जो है 360 से गुना हो जाएगा, यानी 360 होगा गुना x+5 हो गया, ठीक है, यहां पर गुना छुपा हुआ रहता है यहां पर, ठीक है। अब देखिए आप, x+5 है और ये x+5 है, दोनों कट गया, बचा आपका x, x गुना 360, यहां पर माइनस 360 x हो गया बराबर 1 हो गया, ओके। अब देखिए 360 गुना x, 360 x हो गया, प्लस हो गया 5 गुना 360 कीजिए 0,
पांच छह तीस का सुनना बचा तीन, पांच या पंद्रह तीन अठारह सौ हो गया, ठीक है, माइनस 360 एक्स, माइनस 360 एक्स हो गया बटा एक्स इंटू एक्स प्लस पांच, एक्स इंटू एक्स प्लस पांच। देखिए ये 360 माइनस 360 कट गया, बचा क्या 1800, यहां पर बराबर एक है, ठीक है, सॉरी बराबर एक है, 360 और 360 कट गया, बचा आपका ऊपर में 1800, नीचे में x इंटू एक्स प्लस पांच बचा है। अब आइए आगे देखिए दोस्तों, सिंपल सा समीकरण है, ठीक है, बाकी जो भी ऊपर खेला है ना वो समाप्त हो चुका है, समीकरण का गेम है, इसे आप सॉल्व कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा रहा हूं मैं। सिंपल सा समीकरण है, जो भी ऊपर बातें समझने वाली जो बातें थे ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सिर्फ आपको समीकरण को हल करना आना चाहिए, समीकरण हल करने आता है मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऊपर आपका 1800 बच्चा है, 1800 लिख दिए, ठीक है, बराबर दोस्तों ये नीचे है, ये गुना हो जाएगा एक से, ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस पांच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1800 है बराबर x गुना x, एक्स स्क्वायर हो गया, x गुना पांच प्लस पांच एक्स हो गया, ठीक है दोस्तों, आप इसे उधर लेते जाइए, ठीक है। यहां पर एक बात आप समझिएगा, यहां पर देखिए ये है आपका 1800 है, इसको बराबर के उस पार आपको ले जाना है, तो क्या होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा जीरो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स है, प्लस पांच एक्स माइनस 1800 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, अगर आप उधर ले जाएंगे 1800 उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, ये आपका बच्चा है। यहां पर देखिए आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, जीरो जो है इधर अच्छा नहीं लगता है, उधर रहेगा ना अच्छा लगेगा, इसीलिए क्या करेंगे कि हम अपने दिमाग से थोड़ा यूज करेंगे, इसको यहीं पर जो है थोड़ा पलटा कर लिख देंगे, यानी कि यहीं पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस 1800 बराबर जीरो, आपको ये बात जो है यहीं पर लिख देना है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप इसको इधर लिखिए या फिर जीरो को उधर लिखिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इतना बराबर जीरो है, इतना बराबर जीरो है, दोनों एक ही बात है ना, एक ही बात, कोई अंतर नहीं है, बस समझने वाली बात है। अब आप जो है गुणनखंड निकाल लीजिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका, हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट गुना लास्ट, तो आपका 1800 एक्स स्क्वायर हो गया, 1800 क्या करेंगे, 1800 का गुणनखंड निकालिए 1800 का, देखिए 2 नवा 18 900 हो गया, 2 से 2 दो 4 ए 2 5 10 0 सॉरी 2 चौका 8, 2 चौका 8 ठीक है, 1 2 5 10 0, 2 से 2 4 दोनों चार एक दो पंचे दस, तीन से इक्कीस, तीन से पचहत्तर, यहाँ से पचहत्तर हो गया, तीन से पच्चीस बार में और पांच से पांच बार में, आप ये कर सकते हैं आसानी से, इसलिए मैं इसे समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना पांच आ गया, गुना पांच आ गया, ठीक है, अब इतना सब संख्या आ गया, एक दो तीन चार पांच छह सात संख्या आ गया, अब आपको दिमाग लगाना है और सात संख्या से दो संख्या बनाना है। देखिए शुरू में आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान आपको ये होने लगेगा, ठीक है, देखिए तीन लेते हैं, तीन तिया नौ पच्चे पैतालीस लिए, क्या क्या लिए, तीन लिए, तीन तिया नौ पच्चे पैतालीस हुआ ना, एक आपका पैतालीस आ गया। अब देखिए दो दुना चार गुना दो आठ गुना पांच आपका चालीस हो गया, यानी पैतालीस और चालीस हम ले रहे हैं। देखिए पैतालीस में आप चालीस घटाइए कितना होगा, पांच बचेगा, और पैतालीस गुना चालीस करेंगे आपका 1800 आ जाएगा, यानी संख्या आपका पैतालीस और चालीस होगा, समझे बात को। अब देखिए आगे क्या करते हैं, सिंपल सी बातें हैं,
ये सब प्रैक्टिस है, सब आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है इसको लिख दीजिए, प्लस 45x माइनस 40x, ठीक है, माइनस आपको 1800 जो है ना उसको लिख देना है, 1800 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा, यानी एक्स प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है माइनस है, माइनस है, यहाँ पर माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमको बीच में जो है प्लस लाना होगा, क्योंकि ये चीज और यहाँ पर जो ब्रैकेट में आएगा वो दोनों एक ही होना चाहिए, होना चाहिए ना। आपको पता है जब माइनस कॉमन आता है ना तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर 40 आपका आ चुका है, यहाँ पर बचा एक्स आपका बचा, ठीक है। अब 40 से 1800 में भाग देंगे, आपका 45 आ जाएगा, ठीक है, आगे 45। बाकी यहाँ पर प्लस हो गया, कैसे प्लस हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है। जब भी देखिए, जब भी ब्रैकेट के इस पार माइनस कॉमन आ जाए तो जितना भी चिन्ह होगा सब बदल जाएगा। ये था माइनस, प्लस हो गया, ये था माइनस, प्लस हो गया, यहां पर प्लस छुपा हुआ है, हम लिखते नहीं है प्लस, यहां पर छुपा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको साथ लाएंगे, एक्स माइनस 40 हो गया, और ये जो है ये ले लीजिए, एक्स प्लस 45 आपका हो गया, बराबर 0 हो गया, हो गया ना। एक्स माइनस 40 और एक्स प्लस 45 बराबर 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब, ओ बो अब, ओ बो अब, एक्स माइनस 40 बराबर 0, एक्स माइनस 40 बराबर 0, लाइन दीजिए, एक्स प्लस 45 बराबर 0, एक्स प्लस 45 बराबर 0। यहां से एक्स का मान जो है 40 आ गया, ठीक है, और यहां से एक्स का मान 45 आ गया। दोस्तों चाल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या पूछता है, चाल ज्ञात कीजिए। चाल आपका निगेटिव भी होगा, नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, यानी चाल आपका जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आप नीचे में लिख दीजिए, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आंसर आपका आ गया, थैंक यू, लाइक कर दीजिए।